तो मुझे मरने तो छोड़ दो मुझे। और गाड़ी वाले जरा किसे जा रहा है अच्छे से राउंड पर से नीचे तक एक सेकंड में मेरा काम तमाम कर दे। किसे जा रहा है अच्छे मैंने मरना है नहीं आना होश में जितना मारने मार लो होश में नहीं आना मुझे मुझे मैं मां नहीं बन सकती। कौन है जो मुझे बच्चे को देगा है कोई कोई अपने घर में शरण देगा आप तो की बोलो ना। दिमाग खराब करके रखा है तब से चपड़ चपड़ मरना है मरना है मरना है। तुम देखो सॉरी इसे अकेला छोड़ दिया तो ये जरूर खुदकुशी कर लेगी पर मैं इसे शरण दू तो कहां से दू। देखो देखो रोना बंद करो मेरे पास एक उपाय है। तुम एक काम करो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ओके। अकेला फील मत करो मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ मुझे अपनी बहन मानो। नो मैं नहीं मानती आप मेरी बहन कैसे हो सकती हो। नो क्यों नहीं हो सकती कैसे हो सकती हूँ आई मीन अब अंदर से इनसाइड से कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है सिस्टर सिस्टर वाली कैसे हो सकती हो। और आप तो पता नहीं कितने बड़े हो गए मैं तो बड़ी मेहनत के साथ हुई हूँ। ओनली 18 अरे क्या कर रहे हो ये 18 बरस की है तो मैं 18 महीने का हूँ तो समझना इतना डिफिकल्ट क्यों। वैसे आप एज से ना डॉली भाभी हाँ मेरी डॉली भाभी की एज की हो ना। कौन डॉली भाभी। अरे मेरी डॉली भाभी कनाडा में रहती है पीछे बैक स्ट्रीट सेम बिल्कुल क्यूट ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही हो। तुम 18 साल की हो मतलब तुम देखो क्या मुझे क्या मतलब तो तुम चलो मेरे साथ आ जाओ। क्या करते हैं हो गया ब्यूटीफुल अनार गली तूने तो कमाल कर लिया। अरे हिटलर को तूने पटा लिया। लेकिन एक गल सुन मेरी अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में मुझे मत भूलियो याद रखियो कल शो है 9 बजे पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगी मेरा मतलब पहुंच जाऊंगा। और ये जो तू सारे सामने से हाँ की फीलिंग ले रहा है ना बहुत मुश्किल से सेटिंग हुई है। फिर से मरने चले गए क्या। नहीं निकल निकल उंगली खा गए मेरी क्यों। शरीफ लोगों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो ऐसा ही होगा और मुझसे जबरदस्ती करने की जरूरत ही क्या है मैं तो हर गुनाह करने को राजी हूँ। कितना सकता है साले डॉगी और तूने क्या क्या किया मेरे साथ में। ये कैसी बेरुखी अभी तो इतना रोमांटिक हो रहा था ना तू। वो तो साले इसलिए क्योंकि मेरे को लगा तू वो कौन वो मतलब मेरी बीवी मेरी सुनैना मेरी मोटू और कौन। झूठ मत बोल पहले तो कभी इतना रोमांटिक नहीं हुआ तू सुनैना के लिए। मैं जानता हूँ मुझे यकीन है तू मेरे बारे में ही सोच रहा था मेरे ही सपने ले रहा था मेरी सौतन के नहीं। धरती के विनाशी जिस दिन तेरे सपने आने लग गए ना मेरे को मैं सोना बंद कर दूंगा समझ में आई बात। अब भाग जाते भाग जाते यार को समझ को तो मारूंगा सारे भाग जाते। शिट यार क्यों है भाई वो अनारकली क्या कर दिया मेरे साथ यार सोते जागते दिखाई दे रही है मेरे को लौंडों के लिपटने लग गया तेरे चक्कर में मैं यार। यार औरतों को समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है लेके बताऊं या
ये क्या बेहोशी है? बेहोशी नहीं है ये। हाँ मेरा नाम ना पप्पी है, इसलिए एक्शन करके बताया मैंने। पप्पी उसका नाम है। ऐसे मत बोलो, रातों रात पापा मम्मी ने डिसाइड करके बहुत प्यार से रखा था नाम। पापा का नाम ना मेरे परमजीत सिंह है और मम्मी डिम्पी कौर, तो पापा का पा और डिम्पी का पी, पोता तो पापी है लेकिन प्यार से लोग पप्पी बुलाते हैं। शुक्र है बाप का नाम हरिंदर कौर नहीं था, नहीं तो हिप्पी कौर होता इसका नाम। बात बात पर चिपकती हो तुम तो। ये ना झापी वापी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए अच्छा ये रहेगा कि तुम किसी तरह बैठो। ओके एक्चुअली मैं जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली हूँ, बातें करते लोगों के दिल में उतर जाने का शौक है मुझे। फिल्म देखोगी या अभी ट्रेलर दिखाऊं? चल रो। मतलब ए रुक, लॉटरी लगने वाली है। हाय हाय, तो मार ही डालेगी भैया। चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो तुम। अरे भाभी नाराज क्यों कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बदतमीज, पागल हो गए हो क्या? भूल गए हो कि तुम शादीशुदा हो? ऐसी हरकतें शोभा देती है क्या तुम्हें? और वो भी बीच बाजार में। क्यों नहीं शोभा देती, पूरी मेहनत के साथ हुई हूँ। ओनली 18। देखा मेरी सेक्सी जवानी देखकर कैसे जल भून रहे हैं लोग। छोटा सा ट्रेलर था ये तो। अब तुम चुपचाप रहोगी और मेरे साथ मेरे घर चलोगी, समझी? सामान निकालो अपना। चलो। कितना हो भैया? इंदिरा जी कब आएंगी? एक्चुअली उन्होंने हमें एडॉप्शन के लिए पेपर वेरिफिकेशन के लिए कहा था, हम सारे पेपर रेडी करके लाए हैं, बस उनको दिखाने हैं। कहाँ है वो? मतलब मेरे छोटू भाई को चुराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। वो मैं आपसे कहना भूल गई थी, इंदिरा ऋषि कुमार ने मुझसे कहा था कि वो 6 महीने के लिए कहीं जा रही है और उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि वो अपना बच्चा किसी को नहीं देगी। अब आप जाओ यहाँ से। पर अचानक ऐसा कैसे? सुबह ही तो उनसे बात हुई थी। उस फोन के बाद ही उन्होंने मुझसे कहा था। मैं कह रही हूँ ना, आप लोग जाओ यहाँ से। आओ मेरे जा। अरे चलो, मैं कह रही हूँ ना, वो आएगी नहीं। चलो। अरे आप यहाँ? नमस्ते। ये लड़की तो कह रही थी कि आप 6 महीने के लिए बाहर गई हैं। वो सब छोड़िए ना, आइए। चलो चलो इधर। आपको तो पता ही है। पेपर्स लेकर आए ना? हाँ। क्यों झांक रही हो इधर? नथिंग। प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं क्या? क्या तुम पुलिस वाली हो? नो। सास हो मेरी? आपसे कम एज है मेरी। आपने लेकिन बहुत मजा किया, बहुत मजा, नॉटी बहुत मजा किया। अभी रहो सीधे, और ज्यादा टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। इस मामले में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझी? आप लोग बैठे ना प्लीज। आओ।
कहा ना टांग मत अड़ा, खड़ी रहो वहां पर। ओके ओके। पेपर्स सही है, आप लोग एक काम कीजिए, कल आ जाइए अडॉप्शन के पेपर सेंड करने के लिए। ये थैंक यू। सच बहन जी, इस अडॉप्शन के लिए हम बहुत बेताब थे, आपने अपना बच्चा हमारी गोद में डालकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया, वरना पिछली बार जो आपके पति ने हंगामा कर दिया हम सच में बहुत घबरा गए थे, हमें लगा कि आप कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल देंगे। वैसे बिल्कुल ठीक कर रही हैं इंदिरा जी, आप ऐसे निकम्मे बाप का साया तक नहीं पड़ना चाहिए बच्चे पर। आप कौन होती है ये बोलने वाले, किसने हक दिया आपको? आज बोल दिया आइंदा बोलना मत, मेरे पति पर कीचड़ उछालने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, समझिए आप। जाइए, नमस्ते। ऋषि कुमार तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, वो लोगों को बेबी मत दो, वो लोग बहुत बुरे हैं। प्लीज इंदिरा ऋषि कुमार प्लीज। इन दो गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ, समझी। तुम्हारे लिए बेडिंग लेकर आती हूँ। ये क्या श्रीमती जी, बिना बताए अडॉप्शन के लिए माँ बाप भी चुन लिया आपने? ऋषि को तो निकम्मा मान ही लिया है आपने, लेकिन अब पप्पी को और कोई कुछ करना पड़ेगा। इनको भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हंस क्यों रही हो, और तुम हो कौन? मैं हाँ पप्पी कौन। अच्छा मेरे कलेजे लग जा मेरी बच्ची, आजा। मुझे पता है मेरी बच्ची इस वक्त तेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, आखिर तू भी अपने खुराफाती बाप की खुराफाती बेटी जो है। ओके 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 बाय, टेक केयर। पर चीकू का अडॉप्शन रोकने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं इस देश के सारे पिता के सोचने का तरीका तक बदल दूंगा। यही हमारा घर है। ब्यूटीफुल लगता है, बहुत टाइम से ना पेंट नहीं हुआ है इसमें, व्हाइट वॉश कई दिन। हाँ नहीं हुआ। और सुनो, कल मैं तुम्हें महिला संस्थान लेकर जाऊंगी, वहाँ हो सकता है कि तुम्हारे मुश्किलों का हल मिल जाए। ओके। एक्चुअली मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की। ओके। फिलहाल के लिए तुम आज रात के लिए यहीं रुक जाओ और मेरा कमरा शेयर करो। ओके। जस्ट बिकॉज इस घर में बाकी कमरे अवेलेबल नहीं है इस। ओके। वो रहा मेरा कमरा। हाँ हाँ पता है, यहाँ से सीधा जाके राइट। तुम्हें कैसे पता? ओह माय गॉड, ये भी नहीं पता है क्या आपको, स्टूपिड। अरे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो तो राइट होता है ना, तभी तो हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो जो राइट होता है वो तो राइट में ही रहेगा ना, इतना भी नहीं पता। तुम्हें ये कैसे पता कि मैं हेड ऑफ द फैमिली? स्टूपिड। ओफो, कितनी बार तो मैंने आपको बताया है, ऐसे ही थोड़ी पूरी मेहनत के साथ हुई हूँ, ओनली ये चीज। कुछ पूछा था मैंने? हाँ? तुम्हें कैसे पता कि मैं ही इस घर की हेड हूँ? जॉली गुड, माँ तुलसी, तुलसी माँ, इंडिया इज ग्रेट। ये तुलसी तेरे आंगन की याद दिलाए तुझे तेरे साजन की, माफ कर दे पिया को, वापस
वापस बुला ले मिया को। आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। शट अप, छोड़ मुझे। चिपको कहीं। जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ, जय तुलसी माँ, तुलसी माँ। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। मेरे साथ अपराध करने वाला ये दरिंदा था, ऋषि कुमार। मैंने सपने पे भी नहीं सोचा था ऋषि कुमार का भूत इतना धमाका क्या करते। अरे माफ कर दीजिए मोहतरमा, माफ कर दीजिए। नहीं लगी ठरकी बुढ़े, हद में रह अपनी। अब तो तू देख तेरा पर्दाफाश कैसे करता हूं। माय गॉड मोती मोच, ये हमारे घर में मेहमान है, आज रात के लिए रुक रही है। नाम है पप्पी कौर। पप्पी लेके बताऊं या देखे? सॉरी माँ, सुनो घर में मेहमान आए हैं, जरा मेरे कमरे में बिस्तर लगा देना उनका। सुन रही हो? कहाँ हो? सुन रही हूँ, बहरी नहीं हो गई हूँ, चिल्ला क्यों रही है तू? हाँ, और ये क्या, ये घर है कोई धर्मशाला नहीं? जब देखो तब कोई भी भिखारी इस घर में चला आता है। ओ माय गॉड, ये माई है? माय गॉड, ग्रेट गुड गॉड, हमारे कनाडा में तो ऐसी ऐसी माई होती है, वो मंदिर के बाहर ऐसे ऐसे करके खड़ी रहती है, कहती है अल्लाह के नाम पे दीदी बाबा, अल्लाह के नाम पे दीदी बाबा। वो पीपल क्या सेहत बनाई है आप लोगों ने खिला खिला के। हाँ, बुरी नजर ना लगे आपको। चलो जाओ किचन में बर्तन भांडे साफ करो, चलो जाओ। कीड़े पड़े तेरे मुंह में। मेरे घर में तू कौन होती है मुझे भिखारन बोलने वाली? सॉरी तमीज भूल गई हो क्या? एक मेहमान से ऐसे बातें करते हैं? ये मेरी मेहमान है, यही रहे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो निकल जाओ। कितना जब देखो तब टिटलर गिरी चलती रहती है इस घर में। कुछ गलत नहीं कह रही है ये, इतने सारे लोग इस घर में कैसे रहेंगे? मेरा तो वैसे भी दम घुटता है इस घर में, ये घर है या रेलवे स्टेशन? ओ माय गॉड, कितना गुस्सा, कितनी हॉट है, कितनी गर्म है ये। आप भी क्या कोई ट्रेन पकड़ने आए थे स्टेशन पे? हाँ, सामान जमा के यहीं बैठ गए। वैसे ठीक तो कह रही है ये, तुम भी तो रेलवे स्टेशन जैसे यहाँ पर डेरा जमा कर बैठ गई हो। ध्यान रहे, पप्पी झप्पी बहुत सारे देती है। ऐसी, 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 ओके, ओके, ओके। तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम अपने कदम ना मेरे कमरे की तरफ बढ़ाओ। ओके। बाय फ्रेंड। Oh my God! 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 कब आएगी तुम्हारी ट्रेन? Stupid! Oh my God! Oh my God! Oh my God! सुन ना शौकी, सुन ना शौकी। Oh my God! Oh my God! Hold करें करें यार। My God! आपकी तारीफ। आप ही करो ना। मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, केस बन जाएगा मेरे ऊपर। तो बना दो ना केस। एक सेकंड होल्ड करी शोकी, तेरे को कहीं देखा है मैंने? देखा होगा, देखा होगा, बहुत फेमस हूँ मैं। हाँ, इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल हर जगह। वैसे वाली लड़की तू? शट अप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है हमारा कनाडा में, ऐसे गलत मीनिंग में मत जाओ आप स्टूपिड। करियो क्या? सुन इधर देख, अनारकली पोज देख। पोज? व्हाट पोज? अनारकली का नाम नहीं सुन रखा क्या? अनारकली जो होती है उस वैसा पोज देख। अरे मैं पप्पी कौर हूँ, कनाडा से आई हूँ, और कनाडा में ना ऐसे होता है, ऐसे से ऐसे होता है। स्टूपिड, तेरे में वो बात ही नहीं है। अनारकली का शो कब है शोकी? कल रात को 9 बजे। बहुत नसीब वालों को देते हो ना आप ऐसे ससुराल भगवान, हैं? क्या लोग हैं यार, इशारा था मेरा ये नारकली के चक्कर में, ससुर पप्पी कौर के चक्कर में, कैसे बचाऊंगा इधर।
नहीं हो रहा है ना बंद, मैं करूं? लो, मैं कर लूंगी, थैंक यू। ओफो आप भी ना, अरे मैं कर देता हूँ।